हेलो भाई, नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हाल है सबके? सबके बढ़िया। तो जैसे हमने पार्ट वन और पार्ट टू में डिस्कस किया था जी सेवन के बारे में, उसी को कंटिन्यू करते हुए हम पार्ट थ्री लेके आए हैं कि जी सेवन के बारे में जो पार्ट वन पार्ट टू जिसमें डिस्कस किया था उसी के आगे पार्ट थ्री है। जैसे पार्ट वन में अपन ने देखा था कि यूके, जर्मनी, फ्रांस, इटली, कनाडा, यूएस, जापान सारे जी सेवन के मेंबर है। इसका उद्देश्य क्या है, जी सेवन को किस लिए बनाया गया है, इसकी पहली मीटिंग कब हुई, दूसरी कब हुई, कब कनाडा को ऐड किया गया, कब यूरोपियन यूनियन के आर्थिक समुदाय को ऐड किया गया, फिर अभी की मीटिंग कब हुई है, ये भी बात की अपने पार्ट वन में। फिर पार्ट टू में यहाँ से अपने बात की थी कि इसमें जी सेवन की बैठक में किसके लिए और क्या क्या कहा गया था मित्र राष्ट्रों के द्वारा, जी सेवन के सदस्य राष्ट्रों द्वारा क्या क्या कहा गया था। जैसे प्राइस कैप की बात की थी, ये रशिया यूक्रेन वॉर की बात की थी अपन ने, फिर अपने प्राइस कैप पे पूरे मैकेनिज्म को समझा था इधर पार्ट टू में, जिसमें रशिया ने क्या क्या सॉल्यूशन निकाले प्राइस कैप के, इकोनॉमिक सैंक्शन के, वो भी देखा। इंडिया के रेस्पेक्ट से देखा कि आम आदमी को, आपको और मुझे, रशिया यूक्रेन के वॉर या इसराइल गाजा के वॉर से क्या फर्क पड़ेगा, वो भी देखा अपन ने। आगे चलते हैं पार्ट थ्री के अंदर, भी डिस्कस करने जा रहे हैं कि मोदी जी ने जी सेवन के मंच पर रहकर क्या कहा उन्होंने, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये आपके पाठ्यक्रम के हिसाब से और आपको लेखन की क्षमता बढ़ाने में ये आपको बहुत मदद करेगा। तो मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो अपना तीसरा कार्यकाल शुरू किया उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में, वो उनकी पहली विदेश यात्रा इटली में रही और वो जी सेवन की बैठक में सम्मिलित होने के लिए गए। तो मोदी जी ने जी सेवन में क्या क्या पॉइंट कहे, उन्होंने लगभग 5 पॉइंट कहे, 5 पॉइंट के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आपके आरएस मेंस में क्वेश्चन आता है कि जी सेवन के बारे में, जी सेवन में आगे की राह के बारे में मोदी जी ने क्या क्या कहा, या जी सेवन के उपलक्ष में मोदी जी ने वहां पर क्या क्या टिप्पणियां की, या जी सेवन का उपलक्ष्य क्या है, आगे आने वाली राह क्या होगी जी सेवन के लिए, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है इसमें आप ये 5 पॉइंट मोदी जी के लगा सकते हैं, क्योंकि ये भारत सरकार द्वारा ही रिलीज किए गए पॉइंट है। तो पर बात करेंगे सबसे पहले टेक्नोलॉजी का, कि टेक्नोलॉजी के संबंध में मोदी जी ने क्या कहा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जी सेवन की बैठक में टेक्नोलॉजी यानी तकनीकी का विकास करने के लिए यह कहा कि प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी सबके लिए समान होनी चाहिए, जो सबका समाज समावेशी विकास करे, इंक्लूसिव डेवलपमेंट करे, या सामाजिक असमता यानी सोशल इनइक्वलिटी को खत्म करे। टेक्नोलॉजी ऐसी होनी चाहिए जो सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास से हो। तो टेक्नोलॉजी ऐसी हो जिससे आर्थिक असमानता दूर हो, टेक्नोलॉजी ऐसी हो जो सबके सबके साथ की बात करे। उन्होंने कहा कि आने वाला जमाना एआई का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, डाटा एनालिटिक्स का है, मशीन लर्निंग का है। ये सारे टॉपिक आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी के चैप्टर में लिखे हुए हैं। चाहे वो रोबोटिक्स का जमाना हो, आने वाला टाइम इसी का है, हम इसको नकार नहीं सकते हैं। तो आने वाली मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को जी सेवन बैठक से मोदी जी ने यह कहा कि जो भी टेक्नोलॉजी, जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग या रोबोटिक्स, इनको ऐसा एक्सेसिबल बनाए सबके लिए कि एआई को सबके प्रति ट्रांसपेरेंट हो, एक्सेसिबल हो, या रेस्पॉन्सिबल एआई हो, सबके प्रति जिम्मेदार हो। सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी सबके प्रति जिम्मेदार, निष्पक्ष, यह सहज, सुलभ, पारदर्शी होनी चाहिए, ये मोदी जी ने टेक्नोलॉजी के बारे में कहा है। अब बात करते हैं कि वैश्विक समुदाय के बारे में भारत सरकार का क्या तथ्य था। वैश्विक समुदाय के बारे में कहा कि जी सेवन की सभी मित्र राष्ट्रों को एक साथ आना चाहिए और वैश्विक समुदाय के हित के प्रति हमें स्टेप उठाने चाहिए, चाहे वो कोविड में वैक्सीन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात हो, क्योंकि जब वैक्सीन बनी थी तो सर्वप्रथम वेस्टर्न देशों में बनी थी, पश्चिमी देशों में बनी थी, तो भारत जैसे अन्य डेवलपिंग राष्ट्रों ने पश्चिमी देशों से आग्रह किया कि आपके पास जो कोविड वैक्सीन बनी है उसका जो पेटेंट है, उसका जो रिसर्च है, उसका जो फॉर्मूला है, वो हमें दीजिए, ताकि हम दुनिया की फार्मेसी होने के नाते पूरी दुनिया को वैक्सीन सप्लाई कर सके। वैश्विक कल्याण की भावना जो भारत के सिद्धांतों में दिखती है, वो असल में भी कोरोना के टाइम पे दिखी। तो मोदी जी ने कहा कि वैश्विक समुदाय के हित के लिए हमें सारे राष्ट्रों को एकजुट होकर काम करना पड़ेगा।
आगे देखते हैं, मोदी जी ने रक्षा और सुरक्षा के बारे में क्या कहा। हमेशा रक्षा और सुरक्षा, डिफेंस एंड सिक्योरिटी, डिफेंस एंड सिक्योरिटी की रक्षा और सुरक्षा के मामले में सभी राष्ट्रों का सहयोग एंड समन्वय अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि ओशन, इंडियन ओशन, चाहे बंगाली खाड़ी, चाहे मेडिटेरेनियन सी, चाहे पैसिफिक ओशन, सब में समुद्री लुटेरे होते हैं, जहां पर डिफेंस और सिक्योरिटी हमेशा एक मुद्दा बना रहता है कि डिफेंस, रक्षा और सुरक्षा होनी चाहिए। सुरक्षा से पहले रक्षा और रक्षा के बाद में सुरक्षा, हमेशा संतुलित व्यवस्था में एक दूसरे के प्रति होनी चाहिए। तो मोदी जी ने कहा कि रक्षा और सुरक्षा के लिए सभी मित्र राष्ट्रों को एकजुट होना होगा और उसके संबंध में व्यवस्थाएं बनानी पड़ेगी। वैश्विक भलाई के बारे में मोदी ने कहा कि सभी मित्र राष्ट्र, चाहे वो G7 से हो, चाहे G20 से हो, चाहे दुनिया के कोई से भी राष्ट्र से हो, सभी को एकजुट होकर वैश्विक भलाई के लिए हमें कार्य करना होगा। आगे मोदी जी ने रशिया यूक्रेन के बारे में कहा कि वो किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, यदि हमें शांति स्थापित करनी है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने G7 की बैठक में कहा, यदि हमें शांति स्थापित करनी है उसका एकमात्र और लगभग एकमात्र ही समाधान बातचीत और कूटनीति है। तो हम भारत हमेशा शांतिपूर्ण तरीकों के संसाधनों पर हमेशा जोर देता है, प्रतिबल देता है, हमेशा शांति वार्ता में विश्वास करता है, चाहे वो रशिया यूक्रेन का युद्ध हो, चाहे वो इजराइल गाजा का युद्ध हो, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान का ही युद्ध क्यों न हो, हमेशा नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्री के तौर पर यह लागू किया था 2019 में कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी की हम कभी पहले आगे चलकर अटैक या सामना हमला नहीं करेंगे। तो हमेशा भारत की जो नीति है, भारत का जो सिद्धांत है, वो हमेशा शांतिपूर्ण तरीके या पीसफुली किसी चीज को रिजोल्व करने की रही है। ठीक है बच्चों, तो लास्ट में मोदी जी ने जो जो बातें कही, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई होगी और यही बातें आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, आप उनमें रखिएगा और अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कीजिएगा। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं, और कोई और टॉपिक आपके दिमाग में हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि हम उस टॉपिक पे वीडियो बना सके। जैसे हम करंट अफेयर पे वीडियो बनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित, तो आप हमें और बता सकते हैं कि क्या क्या वीडियो हम ला सकते हैं, ताकि हम उसकी बेहतर समझ आपको दे पाए। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत।